Hello and welcome to my online prep. Hope you people are doing well. I know that you have a lot of questions in your mind regarding new syllabus and uh, questions that were asked wrong in accounting and finance for bankers exam. Maybe two or three questions. And apart from that, there are a question whether any grace period grace marks will be added in the uh, in the in the recent exam that has been finalized. So those two uh, क्वेरी बहुत सारे आपके पास हैं तो इस बीच क्वेरी के बीच में सी ओ जो आई एफ के सी हैं उन्होंने मैसेज किया है वेबसाइट पे मैसेज उनका नोटिफिकेशन आया है ये उनका सेकंड कम्युनिकेशन है हम सारे लोगों से जो जे और सीआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन अभी जो आया है उन्होंने क्लारीफाई किया है उनका आ, मैसेज में ये कन्फर्मेशन आया है कि Why, uh, he why हैज टेकन दिस डिसीज़न टू अपडेट द इंटायर सिलेबस ऑफ जे आई बी एन सी उन्होंने उसको जस्टिफाई uh, किया है इसमें कि क्यों ज़रूरत है उसकी और उन्होंने इस मैसेज में ये भी कहा है कि हम लोग ये जो कम्युनिकेशन है चेंजेस के लिए वो कब से दे रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अभी अभी अभी, अभी शुरू किया है और अभी दे दिया है बहुत पहले से उन्होंने रेफरेंस uh, दिया है कि वी वी हैव जस्ट अनाउंस दिस चेंजेज इन जे आई बी एन सी आदि फ्रॉम नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दट द कोर्सेस विल बी चेंज फॉर जे आई बी एनसीआी फ्रॉम मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो वो उनका कहने का मतलब है कि वेल एंड एडवांस हम लोगों ने कन्फर्म किया है कि ये चीजें चेंज होगी आप प्रिपेयर हो जाओ अगर आप देखोगे इसमें तो उन्होंने दो चीज़ें हैं इसमें जो आपको देखना चाहिए पहले मैसेज में उन्होंने जो रेफरेंस दिया था कि ये जो एट एट थिंग्स है जिस जिसपे बात हुई थी कि ये सारे डिटेल्स हैं अभी के लिए इस इस जो पहले कम्युनिकेशन आया था उनका वो सब्जेक्ट अंडर रिवाइज सिलेबस आई और मॉड्यूल वाइज टॉपिक के बारे में एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में क्रेडिट फॉर सब्जेक्ट के बारे में टाइम लिमिट फॉर पासिंग अंडर द रिवाइज सिलेबस के बारे में और वैलिडिटी ऑफ द क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट पास अंडर द प्रेजेंट आई जो अभी आप पास किए हैं उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया था और एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका उन्होंने पहले जो कम्युनिकेशन आया था उस पर डिटेल्स में बताया था अब अब जो कम्युनिकेशन है जो आपको नोट करना है वो दो चीजें हैं वो आप समझ लो ये दो चीजें हैं कि उन्होंने कन्फर्म किया है कि एज द प्रैक्टिस ऑफ द इंस्टीट्यूट द डेडिकेटेड कोर्स वेयर फॉर ईच सब्जेक्ट अंडर द रि सेलेब्रियाई हैथराइज अपडेटेड एंड वेटेड बाई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देर आर दा देर आर इन द फाइनल इन स्टेज ऑफ पब्लिकेशन उनके कहने का मतलब है कि बुक जो है वो बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पर है पब्लिकेशन के और वो बहुत जल्द मार्केट में आएंगे एंड दिस बुक विल भी अवेलेबल बोथ इन ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड तो ये आपके रिटेल आउटलेट पर भी बुक मिल जाएंगे मैकमिलन के इसमें एक चीज़ उन्होंने और भी कंफर्म कहा है कि ये जो द इंस्टीट्यूट हैज़ बिन रिसीविंग रिप्रेजेंटेशन फॉर कंसिडरिंग ग्रेस मार्क्स जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने जिनका ये सोचना है कि क्या इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स मिले देगी जो पास करने के लिए अगर जिनका एक मार्क्स से या दो मार्क्स से एग्ज़ाम छूट गया है पुराने सिलेबस पे मीन्स जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है और दिसंबर में तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि देयर आर अ लेट डाउन गाइडलाइन फॉर द इंस्टीट्यूट डू नॉट परमिट टू प्रोवाइड एनी ग्रेस मार्क्स फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है तो आप बिल्कुल ही इस दिमाग से निकाल दो कि कोई ग्रेस मार्क्स मिलेगा और उन्होंने एक चीज़ और कन्फर्म कहा है कि एग्जाम में जो अकाउंटिंग एंड फिनंस और बैंकर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट का कहना है कि उस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उस एग्ज़ाम को एरियस अगर है उस तरह का कोई मार्क्स है अगर उसमें तो वो एलिजिबल कैंडिडेट को मिलेगा तो खुश होने की बात यह है कि अगर आपका एक मार्क्स और दो मार्क्स के लिए एग्ज़ाम छूट गया है और आपने ए बी में अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को और उसके लिए भी पेनालाइज्ड हो गए हैं तो वो मार्क्स आपको मिल जाएगा बट अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मे बी वो लोग कंसिडर नहीं करें बट अगेन क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं किया ये सोच कर कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसका भी मार्क्स आपको मिलना चाहिए तो मुझे लगता है कि जो भी एक्सपर्ट होंगे जो वो एनालाइज करेंगे तो उनको भी मिलेगा जिनको जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो क्वेश्चन जिनका एक मार्क्स दो मार्क्स से जो क्वेश्चन छूट गया है वो उनको मिलना चाहिए तो लेट्स वेट कि अभी फर्दर क्या कम्युनिकेशन आता है अभी के लिए ये है कि जो बुक है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा बहुत सारे माई ऑनलाइन प्रेप के स्टूडेंट मुझे पता है कि आप लोगों के पास यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग द न्यू कोर्सेज ऑफ जे आई बी एन सी आई बी फ्रॉम माई ऑनलाइन प्रेप बहुत सारी क्वेरी का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे वो भी नहीं दे पा रहे हैं वो उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग के पास अभी अपडेटेड सिलेबस नहीं आया क्योंकि आई ने सिर्फ और सिर्फ अभी मॉड्यूल बताया है मॉड्यूल के अंदर के टॉपिक को नहीं बताया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एक भी टॉपिक है वो अगर अगर वो छूट जाता है प्रिपरेशन में तो वो एग्ज़ाम में अगर उससे क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत खराब होगा उसके एग्ज़ाम के लिए तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वेन वी प्रोवाइड एनी सिलेबस एनी मॉक टेस्ट एनी वीडियो लेसेंस इट शुड बी बेस्ड ऑन दिलेबस एज पर गिवेन बाई आई एफ तो आप वेट कर लो बहुत सारे स्टूडेंट ने यह भी कहा है कि सर बाकी लोग तो स्टार्ट कर दिया दे हैव स्टार्टड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कोर्सेस मेरा कहना सिर्फ उनको ये है कि मे बी दे हैव स्टार्टड बट स्टिल दे डोंट हैव एनी अपडेटेड सिलेबस तो आप इस भ्रम में मत रहो वो अगर स्टार्ट कर दिए तो मे बी वो जस्ट अब मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा बट अभी भी अपडेटेड सिलेबस नहीं आया बस चिल मारो आप दिसंबर है मे बी जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बुक आ जाएंगी नए न्यू और सिलेबस भी नोटिफिकेशन आई की तरफ से बुक्स पे आ जाएंगे तो आप पूरा दिसंबर अभी चिल मारो अभी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है जनवरी में जब बुक आ जाते हैं सिलेबस आ जाते हैं तब आप स्टार्ट करना और हम लोग कोर्स भी जनवरी से सेकेंड वीक से ही स्टार्ट करेंगे होप तो आपको ये जो मैसेज है ये इसको ले करके थोड़ी सी दिल में राहत मिली होगी और उनके लिए जो जो ग्रेस पीरियड के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ग्रेस पीरियड अब ग्रेस मार्क्स के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिलेगा इस uh, मैसेज में उन्होंने कंप्लीटली डिनाइड किया है कि इन एनी फॉर्म ऑफ द ग्रेस मार्क्स इन एनी फॉर्म ऑफ द एग्जाम ऑफ आई वी डू नॉट परमिट तो वो ग्रेस मार्क्स मिलेगा नहीं बट ये स्टिल अगर हाँ ए में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं जिनको आपने छोड़ा है या आपने अटेम्प्ट किया है उसकी वजह से तो वो लोग रिव्यू कर रहे हैं उसके लिए आपको मार्क्स मिल सकता है ओके थैंक यू